के रातू रोड की तस्वीर है, जहाँ की ओटीसी ग्राउंड से लेकर जो है रातू रोड न्यू मार्केट तक जो है लोगों का भीड़ किस तरीके से पीएम मोदी को देखने के लिए उमड़ चुका है। जैसे जैसे पीएम मोदी का रोड शो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आप देखिए लोगों का भीड़ जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। तो देखिए कितने गाड़ियों का काफिला जो है पीछे पीछे, पूरी एसपीजी और की टीम जो है, जिला प्रशासन की टीम, और कितनी गाड़ियों का काफिला पीएम मोदी के जो है रोड शो में रहता है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम रहती है, देखिए आप, डॉग स्क्वाड के साथ साथ जिला पुलिस और केंद्र की पुलिस जो है इस रोड शो में उनका शिरकत करते हैं। साथ ही पारा मिलिट्री के फोर्स जो रहते हैं वह भी इस रोड शो में उनके साथ रहते हैं। आप देखिए कि पीएम के रोड शो में कितनी जो है भारी भीड़ उमड़ी है। आपका कुछ कहना है महिलाओं का? याद रखिए पीएम मोदी आए थे। हम नहीं कुछ बोल पाएंगे। देखिए जी हाँ, देखिए पीएम मोदी को देखे क्या कहिएगा भैया, सुना नहीं रहा क्या कहना चाहेंगे मोदी जी को देखे? मोदी जी को यही कहना चाहेंगे कि हम लोग का देश के लिए बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। जा रहा है मोदी जी का बीजेपी आ रहा है, बीजेपी आ रहा है, झामुमो जा रहा है, चल जाएगा घुसपैठिया के साथ बांग्लादेश। मोदी जी आ रहे हैं, सही बात है, फुल बहुमत से आ रहे हैं। जय आपकी बार मोदी सरकार। ये भीड़ देख के नहीं पता चल रहा है कि मोदी सरकार आ गया, मोदी सरकार आ गया। श्री राम के दर्शन हुए, इतना देर की तपस्या, हम लोग भी सफल हुए, श्री राम के दर्शन हुए। हेमंत के, हेमंत के, हेमंत मोदी चाहिए, सनातन के हेमंत सरकार नहीं चाहिए। झारखंड का बदलाव सिर्फ हेमंत जी का कार्यकाल में झारखंड बांग्लादेश बनता जा रहा है। ऐसे गद्दारों को राहुल राहुल हेमंत ममता मतलब जो भी हिंदू विरोधी पार्टियां हैं वो भारत को बांग्लादेश बनाना चाह रहे हैं। आज झारखंड में नजर उठा के देखिए पूरा बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और हेमंत सरकार उसको पोसने पालने का काम कर रहा है। ऐसे गद्दारों को हटाना है, ऐसे गद्दारों को हटाना है। हम लोग को नौकरी भी नहीं चाहिए, हम लोग को रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर जान बचा धर्म बचा तो बहुत हम ये पैसा कमा लेंगे, रोटी कपड़ा बनाना बड़ी बात नहीं है। हमें सामान चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमें रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए। हम वो हिंदू है, वो सनातन है कि हमको रोटी कपड़ा और मकान नहीं चाहिए, हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको मोदी चाहिए। ऐसे ऐसे बांग्लादेशियों को पोसने पालने वाले सरकार को हटाओ और सनातन को ना। तो देखिए लोगों का कितना भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ चुका है पीएम मोदी के रोड शो के बाद। तो बैरिकेटिंग तक को जो है लोगों ने तोड़ दिया। तो देखिए जो सुरक्षा में बैरिकेटिंग लगी रहती है और मेटल डिटेक्टर चेक के लिए लगा रहता है, वह कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से इतना भीड़ उमड़ा कि इसे गिरा दिया गया। आप देखिए कि बैरिकेटिंग तक को भी जो है लोगों ने गिरा दिया और किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर मचा हुआ है। आप देखिए लोगों में कितनी जो है पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर उत्साह भी, और क्या कुछ कहा आपने देखा महिलाओं का किस तरीके से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बैरिकेड हो गया। तो बैरिकेटिंग करके जो है लोगों को रोक के रखा गया है। आप देखिए किस तरीके से पीएम मोदी का यहाँ रोड शो हुआ था, लोग जो है काफ़ी उत्साह थे पीएम मोदी को देखने के लिए, और उसके बाद जो है किस तरीके से जो है पूरे
और अब देखिए कि लोगों का जो है धीरे धीरे यहाँ से जाते हुए देख रहे हैं आप, कितनी जो लाखों भीड़ की जो है यहाँ उमड़ी थी पीएम मोदी को, क्या देखे मोदी जी को? हाँ, क्या बोले? जय श्री राम। देखे मोदी जी? हाँ बिल्कुल, क्या बोल रहे थे? बहुत एक्टिव दिख रहे थे, एकदम 100% रिजल्ट है, कोई किसी का हिम्मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, दूर दूर तक कोई नहीं है, बंटी बबली जो है वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, हम 60 सीटों से भी ज्यादा जीतने जा रहे हैं। देखिए 60 सीटों से भी ज्यादा जो है जीतने का दावा जो है कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। देखिए कि कितनी जो है भीड़ यहाँ पर, उमरी और युवा काफी जो है इस कार्यक्रम में, महिला जो है ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में कहीं ना कहीं दिख रही है। सभी के हाथों में भाजपा के झंडे और जय श्री राम के नारे जो है कहीं ना कहीं गूंज रहे हैं। तो अब देखिए किस तरीके से जो है बैरिकेडिंग को हटा के कूट कूट कर जो है लोग जो है पार हो रहे हैं, क्योंकि पूरी शहर को जो है बैरिकेडिंग लगा दिया गया था। और अब देखिए किस तरीके से जो है लोग कूद कूद कर चारों तरफ जो है वह जा रहे हैं, और अफरा तफरी का माहौल कहीं ना कहीं यहाँ पर बना हुआ है मोदी जी को देखने के लिए। अब देखिए किस तरीके से मोदी जी को देखने के लिए जो है लोग परेशान, हताश और निराश देखिए किस तरीके से कूद कूद कर देख रहे हैं। आप कुछ पूछिएगा तब हम 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के सरकार रहते हुए ना ही हमारा सीमा सुरक्षित था, ना ही बहन बेटी सुरक्षित थे, ना ही हमारा देश सुरक्षित था, ना ही समाज सुरक्षित था। आप याद कीजिए वो दिन जिस दिन 2% वाला पाकिस्तान भी हमारे सीमा पर आकर हमारे सैनिकों का मुड़ी काट कर ले जाता था, वो दिन भी हमें याद है, वो दिन भी हमें याद है जब 26/11 को ताज होटल पर हमला होता था। आज हमारे लिए सबसे बहुमूल्य चीज हमारा प्राण होता है, परंतु जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा समग्र सुरक्षा हो रहा है, देश में विदेश में हमारा नाम हो रहा है, हमारा वैभव हो रहा है। आज पाकिस्तानियों को भी बचने के लिए भारत का तिरंगा का सहारा लेना पड़ता है, ऐसा मोदी जी का चमत्कार पूरे विश्व में डंका बजा रहा है। मैं पूरे झारखंड वासियों से ऐसा आग्रह करना चाहता हूं कि अगर एक बार ये चांस खो दिए तो दोबारा मोदी जैसा प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी जैसा राज्य और राष्ट्र नेता आपको नहीं मिला। इसलिए सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि सब लोग मिलकर घर से निकलिए, जाट कुर्मी तेली ब्राह्मण में बटने के छोड़ करके और हिंदू बनकर वोट दीजिए, और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताइए झारखंड में।